फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग जो है इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे एक क्वेश्चन लिया है 2x² - 7x + 3 = 0, चूँकि इसका डिग्री 2 है तो ये किस में आएगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो अब देखिए इसको स्क्वायर मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x² आ रहा है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर में नहीं ले सकते, होल स्क्वायर में अगर लेना होगा तो रूट टू करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से हम लोग जो है LHS और RHS दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। LHS को भी डिवाइड करेंगे और RHS को भी। तो इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x² / 2 - 7x / 2 + 3/2 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा x² - 7x / 2 + 3/2 = 0 आ गया। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, ये हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल गया यानी कि x का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि a - b के होल स्क्वायर में क्या आता है, -2ab। तो पहले उस पर हम लोग सेट करेंगे, 2 हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है यानी कि फिक्स है, तो 2 लिख दिए इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म आता है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, एक्स है, तो एक्स को लिख देंगे। अब हम लोग को बी की जानकारी नहीं है, बी का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग जो है ऐसे वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो है इसके इक्वल हो जाए 7x / 2 के। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जो है किस वैल्यू को डालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो 7 डाल दिए तो 7x हो गया, नीचे क्या डाल देंगे, 2 नहीं डाल के 4 डाल देते हैं। तो यहाँ पे 2 से अगर ये कैंसिल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/2 यानी कि 7x / 2। अब यहाँ पे हम लोग को b मिल गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से 7/4 का होल स्क्वायर आ गया। तो जितना हम लोग प्लस करते हैं, जितना इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग प्लस कर रहे हैं, उतना ही क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 7/4 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3/2 = 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पूरा का पूरा जो है, तो ये टर्म फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म ये किस में आ गया, फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, यानी कि x - 7/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इन सारे टर्म को हम लोग जो है RHS में लेके जाते हैं, तो ये माइनस है तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 49/16 + 3/2 है तो -3/2 हो गया। इसको अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 और 2 का एलसीएम 16 होगा, यहाँ पे हो गया आपका 49 - 8 यानी कि 24 आ गया, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे 25/16। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप को यहाँ पे लेके आइए, तो यहाँ हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब नेक्स्ट स्टेप में x - 7/4, अब यहाँ जो स्क्वायर है यहाँ जाएगा तो हमारा हो जाएगा √25/16। इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो +-5/4 आएगा। अब यहाँ लिखिए इफ x - 7/4, पहले प्लस को लेते हैं तो यानी कि 5/4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू, तो ये 5/4, ये माइनस है तो यहाँ पे जब साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/4। अब ये हो गया 4, 5 + 7 यानी कि हमारे पास जो आ गया ये वैल्यू 12/4, कट के कितना आ गया 3, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो है x का क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जो है हम लोग एक बार निगेटिव वैल्यू लेंगे यानी कि x - 7/4 इक्वल होगा -5/4। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 7/4 - 5/4, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 आएगा, 7 - 5 = 2 और नीचे 4 काटो के 2 आएगा यानी कि 1/2। तो ये और ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसमें फिर समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन है हमारे पास 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब इसको क्या कीजिएगा, जैसे 4x² है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे,
जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्लस है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे सेट करेगा, तो प्लस का साइन देंगे और लिखेंगे 2 × ए की जगह पे ये आएगा 2x, तो इसको लिखिए 2x, और बी की जगह पे हम लोग देखेंगे क्या रखें जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म हमारा पूरा हो जाए। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है हमारा 4, यानी कि 4x आ रहा है, रूट 3 बच रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रूट 3 लिख देंगे। ठीक, अब यानी कि बी वैल्यू मिल गया हम लोग को, तो प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब जितना हम लोग इसमें प्लस करते हैं उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना होगा, और फिर हो गया ये प्लस 3 लिखिए, इक्वल हो गया आपका 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है ये आ गया हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो माइनस है तो ये दूसरी साइड जब जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3, और ये प्लस 3 है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, यानी कि 3 - 3 क्या हो गया 0। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा -√3, और यहाँ से जो है हम लोग का x का वैल्यू आएगा वो आएगा -√3/2 इस तरीके से, चूंकि 0 आया तो दोनों वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा सेम हो जाएगा, ये हमारा x का वैल्यू हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,